भाई जब सीजन में आम हो ना तो आम के साथ बहुत कुछ करने को जी करता है, खाने को तो जी करता ही है, लेकिन जो खट्टे मीठे आम हो उनके साथ कुछ और इनोवेटिव काम करने का जी करता है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ फिश एंड मैंगो कबाब्स। सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, साथ ही साथ नमक स्वाद अनुसार, एक नींबू का रस डाल लें, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच इसमें डाल लें। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खट्टे मीठे आम, बिल्कुल मज़ेदार लग, ये पीले रहे हैं लेकिन है खट्टे मीठे, तो खट्टे मीठे आम चुने इसके लिए ये सारे इसमें। और इसके साथ साथ इसमें डाल लेता हूँ तेल, दो बड़े चम्मच तेल मैरिनेट के लिए, ये डाल लिया। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए क्या बात, अब ये जो फिश क्यूब्स है ये इसमें मिला लेते हैं। क्या बात है भाई, मज़ेदार आम। वैसे तो बहुत तरीके से खाए होंगे आपने, लेकिन इस तरह फिश के साथ मैरिनेट करके मुझे यकीन है बहुत कम बार खाए होंगे। जब फिश मैरिनेट हो जाए तो इसे 8 से 10 मिनट तक रख लें और उसके बाद ग्रिल करेंगे। तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें मैं डाल लेता हूँ तेल। अब ये जो फिश मैरिनेट की थी इसे मैं इस तरह साते स्टिक्स में लेके, यदि मैं इन साते स्टिक्स को चारकोल में यूज़ करता तो डेफिनेटली इन्हें पहले भिगो के रखता, लेकिन क्योंकि ग्रिल पैन में यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। ये फिश के टिक्के इस तरह से लगा लें और इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ। भाई कितने बढ़िया लग रहे मैंगो के लच्छे हैं, चिली फ्लेक्स दिखने में भी बढ़िया लग रहे हैं साते स्टिक्स में, इस तरह से लगा लें। और ये जो सॉस है ये ऊपर से लगा के पैन में, क्या बात है, इनको मैं यहाँ ग्रिल करने रख देता हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला ये ऊपर से लगा लेते हैं। जो फिश है ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक रही है भाई, आम की जो खुशबू है बहुत बढ़िया आ रही है। फिश को बहुत समय नहीं लगेगा इसलिए इसे पलट लेते हैं। ये देखिए फिश को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है नींबू, गार्निश तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से नींबू के स्लाइसेस इस तरह से ले लिया आपने। अच्छा क्या करेंगे, ये नींबू का स्लाइस लिया, आधे हिस्से में चिली पाउडर लगाएंगे, आधे हिस्से, ये देखिए चिली पाउडर लगा लिया हमने। और फिर इनको वापस उसी आकार में एक के ऊपर एक रख लें। यहाँ इसे काट लेता हूँ, बीच से काट लिया, और क्या करना, ये देखिए बीच से काटा, ये पीछे कर दिया, ये देखिए क्या बात है, ये मेरी प्लेट में मैं सजा लेता हूँ ये बढ़िया तरीके से। यहाँ ये क्या बात, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कुछ पुदीने के पत्ते, ये गार्निश जो है बिल्कुल तैयार। यहाँ देखिए ये जो फिश कबाब है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसे पकने में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से निकालें। आहा, ये देखिए फिश अपने आप टूट के गिर रही है, मतलब फिश कबाब तैयार। बहुत ही मज़ेदार, इसे भी मैं इस पे रख लेता हूँ। कितनी आसानी से बना लिया हमने फिश और मैंगो कबाब्स, मुँह में पानी आ रहा ना। आप भी इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाया।
food, food. It's sizzling.